ये देख लो भाई, यहाँ लगे हुए हैं अपना रोगर ब्लेड। अब भाई इसका ना कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब जहाँ तक मैंने अभी यूज़ करके पता लगा ना, नुकसान ही है। तो इसलिए अभी यहाँ का तो उतार दिया। यहाँ पे अपना चल रही है भाई बैलेंसिंग, ठीक है। तो मैंने यही सोचा भाई, लगे आप ना रोगर जो लगवाए थे ना, उतरवाई देता हूँ। बाहर रखते हैं ना, अपने घर के बाहर रखते हैं ना, डॉग्स के लिए पानी रखते हैं बाल्टी में। हाँ जी गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। भाई एक और नया दिन, नई शुरुआत। भाई आज की शुरुआत आप बताओ कहाँ से हो रही है, मतलब जहाँ मेरा मन नहीं लगता, मतलब बिल्कुल बोरिंग जगह। मौसम ठीक रहता है बस यहाँ का, लेकिन मन नहीं लगता। गुड़गांव में मौसम अच्छा नहीं होता, मतलब गर्मी हो रखी है इस टाइम वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मन लगा रहता है, ये बात है भाई। और अभी हम हैं भाई बेंगलोर में, और भाई टाइम हो गया इस टाइम 12 बज रहे हैं, दोपहर होगी। और भाई यहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ मौसम मैं कह रहा हूँ बहुत ही प्यारा है, पर बस यहाँ मन नहीं लग रहा। दो दिन बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी, बस अभी एक बार मतलब सो के उठाऊँ भी बस जस्ट, ठीक है। दो दिन थोड़ा मैंने रेस्ट कर लिया था, अब अपना एक बार कपड़े चेंज करता हूँ, मतलब नहाता धोता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, और उसके बाद अपना चलते हैं भाई, गाड़ी का काम करा के आना है। और गाड़ी में कराना क्या है भाई आज, एक तो भाई जब हम आ रहे थे ना रास्ते में, अभी फ़ैन बंद कर रखा है और एसी भी, क्योंकि अब मैं बस नहाने ही जा रहा था, तो फ़ैन इसलिए बंद कर रखा है भाई शोर आएगा वीडियो में, फिर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। और भाई गाड़ी में करवाना क्या है, जब हम आ रहे थे ना अपना गुड़गांव से बेंगलोर, तो रास्ते में ना मेरे को फील हुआ कि गाड़ी में ना अलाइनमेंट की दिक्कत है, और टायर भी पिछले वाला या हाँ पिछला लेफ्ट साइड का कंडक्टर साइड का थोड़ा बबल कर रहा था, तो मैंने कहा बैलेंसिंग का इशू हो सकता है। और गाड़ी अराउंड चल भी गई है 8-9 हज़ार 10 हज़ार पे, बैलेंसिंग करा लेनी चाहिए। वैसे मैं 5 पे ही करवा लेता हूँ, कि भाई 5 पे जब अलाइनमेंट करा रहे हो ना, बैलेंसिंग भी करा ही लो। 5 पे अलाइनमेंट कराओगे, 10 पे बैलेंसिंग अलाइनमेंट दोनों कराओगे, क्या ही फायदा, एक ही बार दोनों करवा लो, ठीक है। इस बार मैंने थोड़ा लेट कर दिया, अभी अपना जा रहे हैं एक बार अपना कराएंगे गाड़ी की बैलेंसिंग, ठीक है। गाड़ी की बैलेंसिंग कराएंगे, गाड़ी की अलाइनमेंट कराएंगे, और गाड़ी की वॉशिंग भी करानी है, वो देखता हूँ भाई आज करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जिससे मैं करवाता हूँ मेरा बंदा वो फ़ोन उठा नहीं रहा है, शायद आज उसकी दुकान बंद होगी। बाकी अभी अपना नहाता हूँ, फटाफट घर से निकलते हैं और वहीं चल के आपको डायरेक्ट मिलते हैं। ये देख लो भाई, यहाँ लगे हुए हैं अपना रोगर ब्लेड। अब भाई इसका ना कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब जहाँ तक मैंने अभी यूज़ करके पता लगा ना, नुकसान ही है, तो इसलिए अभी यहाँ का तो उतार दिया। बाकी अब जितने भी हैं ना, बाकी अब जितने भी हैं सारे उतार ही रहे हैं भाई हम। यहाँ पे अपना चल रही है भाई बैलेंसिंग, ठीक है। तो मैंने यही सोचा भाई, लगे आप ना रोगर जो लगवाए थे ना, उतरवाई देता हूँ, क्योंकि भाई नुकसान ही था, इसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ बैलेंसिंग चलते चलते मैंने कहा भाई उतार ही देते साथ के साथ। भाई यहाँ पर अपना गाड़ी की बैलेंसिंग हो गई डन, ठीक है। बस एक बार टायर प्रेशर चेक हो रहा है, फिर उसके बाद अपना गाड़ी पैक करवाते और निकलते हैं यहाँ से। भाई अभी आ गया अपन किया के सर्विस सेंटर में, देख रहे हो ना पीछे किया के सामान है सारा, ठीक है। अब किया के सर्विस सेंटर आए क्यों है भाई, अब बैलेंसिंग तो करा लिया ना, अलाइनमेंट भी तो करानी है। अलाइनमेंट भाई मेरे को नहीं, यहाँ पे तो इन्हीं की समझ आती है, मतलब बेस्ट करके देते हैं, जैसे गुड़गांव में फरीदाबाद वाले करके देते हैं ना वो हरियाणा टायर वाले, वैसे यहाँ पे किया वाले करके देते हैं। हमारे वहाँ तो किया वालों के पास जो आफ्टर मार्केट अलॉय रहते हैं ना, उनका अलाइनमेंट का हिसाब किताब होता नहीं उनके पास, लेकिन इनके पास है, तो इसलिए इनका बढ़िया लगता है मेरे को काम। बस अभी अपनी गाड़ी आ जाएगी यहीं पे, बे पे लग जाएगी पीछे ही, तो उसके बाद अपना काम चालू हो जाएगा भाई बेंगलोर आने के बाद ना। भाई मेरे को रास्ते में पता क्या लग रहा था, रास्ते में लग रहा था कि भाई गाड़ी ना थोड़ी बबलिंग कर रही है, तो जब देखा तो बैलेंसिंग भी दिक्कत थी, बैलेंसिंग आगे वाले दोनों टायर में थी ही नहीं, या तो वो ऋषिकेश जब गए थे जब हमने रिवर क्रॉस करी थी तब उतर गई होगी कैसे ना कैसे करके, ठीक है। इसलिए मैंने इस बार ना एल्फी वगैरह बढ़िया लगवाई है, और पीछे वाले दोनों टायरों में थी, और अलाइनमेंट भी ख़राब हो रही थी गाड़ी की, तो अलाइनमेंट भी हो जाएगी अब, मतलब बढ़िया हो जाएगी, टोटल गाड़ी मस्त चलेगी फिर। लो भैया अब अपनी गाड़ी यहाँ लग गई है बे पे अलाइनमेंट होने के लिए। भैया अब यहाँ गाड़ी अपनी उठाई जा रही है ऊपर, इसके अलाइनमेंट करने के लिए, अलाइनमेंट लेने भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही थी, दिक्कत क्या बबलिंग सी कर रही थी गाड़ी, तो मैंने कहा भाई करवा लेते हैं, पता लगे टायर एक साइड से गंजा हो गया और एक साइड से उठा हुआ है, तो इसलिए आते साथ भैया अपना अलाइनमेंट ही चेक करवा रहे हैं पहले। ये देख लो भाई गाड़ी अब अपना लिफ्ट हो चुकी है ऊपर, ठीक है। अलाइनमेंट वाले जो ये मशीन रहती है जो टायर पर लगती है ये भी लग गई, पता नहीं ये ब्लूटूथ कनेक्शन रहता है क्या रहता है जो मशीन पर डायरेक्ट बताता है भाई। अब अलाइनमेंट चालू होगी। बाहर मैं इसलिए नहीं जा रहा भाई, बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, यहाँ एसी चल रहा है, यहाँ अपना बढ़िया बैठे हैं,
बाहर जाऊंगा भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने आएंगे फिर कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए अंदर बैठ के सब नोटिस कर रहा हूँ। भाई अभी अपना निकल चुके हैं घर के लिए, किया मैं सारा काम हो गया अपना डन, अलाइनमेंट भी करा ली बढ़िया सी। और भाई जो हम बाहर रखते हैं ना, अपने घर के बाहर रखते हैं ना डॉग्स के लिए पानी रखते हैं बाल्टी में, बाउस में ना काई सी जम रही है, ठीक है। तो एक बार वो बाल्टी भी लेके आया हूँ, जहाँ से गाड़ी धुलवाता हूँ ना इनको ही कह दूंगा एक बार कि अपना प्रेशर वॉश से धो देंगे एक बार बढ़िया से, ताकि वो भी अपना चमक जाए। भाई अभी आया हूँ ना 3 महीने बाद, तो तुम्हें पता है मम्मी पापा इदाना नहीं कर पाते, तो काई कोई जम रखी है उसमें बढ़िया बढ़िया कह रहे बोला गठिया। तो एक बार अभी घर जाते वक्त ना एक बार वो भी करवाता चलता हूँ साफ, फिर अपना साफ सुथरा साफ सुथरी बाल्टी हो जाएगी, फिर बढ़िया अपना पानी भर के रख देंगे डॉग्स के लिए, ठीक है। ये देख लो भाई अपना पहुंच गए घर पे, इसको देख लो, ठीक है। ये देख लो भाई ये बाल्टी है ना, ये भाई इसमें कम से कम भी इसमें ना 3-4-5 लेयर की काई जम रही थी, सारी साफ हो गई। बाकी ये जो ब्लैक है ना भाई, ये तो कलर है पहले से ही है। तो पानी डालते हैं, अब देख रहे हो पानी कितना साफ लग रहा है, आते साथ कालू पीने भी लग गया अपना, ठीक है। ये फ़र्क होता है भाई, इसलिए ना ध्यान रखना पड़ता है। अब मम्मी पापा नहीं रख पाते ध्यान इतना, इसलिए मैं रख लेता हूँ फिर जब आता हूँ। तो भाई आज के ब्लॉग भी बस इतना ही था भाई, ये ब्लॉग करने का ना बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि बॉडी में ना अभी भी बहुत ज़्यादा थकान है, ठीक है। अपना रेस्ट करेंगे आज, कल से देखते हैं क्या बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए शूट करें, तो वो सब करेंगे। बाकी आज के लिए तो इतना ही भाई, आज हिम्मत नहीं है, अपने गाड़ी लाइट बैलेंसिंग करवा के आया ना, उतने में ही हो गया बस, बहुत है। बाकी वॉशिंग करवा लेंगे गाड़ी की, कल कहीं और से करवा लेंगे, या फिर अपने वाला खुल जाएगा तो वहाँ से करवा लेंगे। बाकी इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। सो गाइस कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बता देना, अगर अच्छा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।